हेलो दोस्तों, मार्क्स विद मास्टर का मास्टर आपके लिए लेकर के आया है आज अनसॉल्व पेपर। आपको मालूम है कि बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आज आपका अक्टूबर खत्म होने वाला है, कुछ दिनों बाद नवंबर दिसंबर, यानी कि आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है और लगभग आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा। सिलेबस खत्म अगर नहीं हुआ है तो पीछे के 2-4 पार्ट बचे होंगे, कोई बात नहीं। इस बार अनसॉल्व आपके लिए लाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अनसॉल्व मिलेगा आपको पीछे के 5 सालों का, 2023 का अगर मैं लिख के बता दूं आपको बच्चा, तो आपको अनसॉल्व मिलेगा पीछे के 5 सालों का। और कौन कौन से मिलेंगे वो बता दूं आपको, वो मिलेगा आपको 2023 का मिलेगा, 2022 का मिलेगा, 2021 का मिलेगा, 2020 का मिलेगा और 2019 का मिलेगा। यानी कि पीछे के 5 सालों के आपके पास आएंगे अनसॉल्व पेपर। और ये कैसी कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं आपको मैं बताता हूं। हर ईयर का, जैसे मान लो 2023 चल रहा है, तो 2023 का हर एक चैप्टर का, यानी कि चैप्टर वाइज प्रश्नों को बांटा गया है और बहुत ही मेहनत किया गया है पेपर यानी कि अनसॉल्व को बनाने में, ताकि आपके लिए चीजें बहुत ही बेहतर हो सके और आप जान सके कि हाँ पढ़ाई आसान होती है, कठिन नहीं होती है। आपको मालूम है 2 महीने खाली बचे हैं, तो 2 महीने में आपकी तैयारी भरपूर रहेगी, तो आप एक अच्छा नंबर गेन करेंगे और अपने माता पिता, अपने विद्यालय और अपने कोचिंग का नाम करेंगे, हमारा भी नाम करेंगे। तो कहने का मतलब यह है ना, तो मैंने बताया ना ईयर वाइज बांटा गया है और ईयर वाइज और चैप्टर वाइज बांटा गया है, चैप्टर वाइज बांटा गया है और छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं ताकि आप बोर ना हो। यानी कि पहले 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का, ऐसे अलग अलग मार्क्स वाइज भी बांटे गए हैं। तो ओवरऑल आप यह जानिए, ईयर वाइज बांटा गया है और चैप्टर वाइज बांटा गया है। चैप्टर वाइज में नंबर वाइज यानी कि मार्क्स वाइज बांटा गया, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत टफ समझ में आएगा। तो आज मैं लेके आया हूं भौतिक का अनसॉल्व, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में। और जानते हो सन 2023 का अनसॉल्व आपको मिलने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं तो आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला सवाल खुलने जा रहा है, जो सन 2023 के 7 सेटों में कहीं ना कहीं पूछा गया, छांट के लाया गया। आप जानते हो बच्चा कुल होते हैं 7 सेट, आपको मालूम होना चाहिए कुल यूपी बोर्ड में होते हैं 7 सेट। 7 सेट को आपको सॉल्व करना होता है। 7 सेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि भौतिक के पहले वाले चैप्टर से लिया गया है सवाल सारा। और आपको बता दो ना, बहुत मजा आने वाला है और आप इनको देखोगे, समझोगे, लगाओगे तो और आनंद आएगा। और हर सवाल के ऊपर किया गया है एनालिसिस, ताकि आपकी तैयारी हो बेहतर ढंग से। और जानते हो एक बात बोल देता हूं कि अगर वीडियो समझ में आएगा ना तो लाइक करना और बताना कि समझ में आ रहा है, ताकि आपके लिए और शानदार वीडियो बनाया जा सके। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बनेगा और मोटिवेशन बनेगा तो कंफर्म आपके लिए हम बेहतर काम करेंगे। तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, याद रखना ईयर वाइज, चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज पेपर को बांटा गया है। मैं शुरू करता हूं। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और कुछ ऐसा लिखा हुआ है, चांदी का परावैद्युतांक के का मान होता है। यानी कि चांदी क्या है बच्चा, आपको मालूम होना चाहिए चांदी है मेटल। चांदी क्या है बोलो, चांदी है मेटल। और मेटल का जो परावैद्युतांक के का मान होता है वह होता है इनफाइनाइट। ध्यान देना, मेटल कोई भी हो, आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, अगर मेटल निकल हो, अगर मेटल है तो जान जाओ, अगर मेटल है तो जान जाओ उसके लिए के का मान होता है इनफाइनाइट। और बच्चा एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1। एयर या फिर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1। यानी कि वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। और जानते हो ये दोनों अभी तो किसी का मान हमको नहीं पता है, किताब में कहीं होता भी नहीं ऐसा है। यानी कि के की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, 0 नहीं होती, 1 होती एयर की या वैक्यूम की या उससे ज्यादा बनेगी पदार्थों की। और जानते हो, और जब मेटल की बात आएगी तो के का वैल्यू होगा इनफाइनाइट। उम्मीद करते हैं बच्चा यह क्वेश्चन आपको समझ अच्छे से आ गया होगा, 1 नंबर आपका तैयार है। और यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना।
आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, तो सेकंड क्वेश्चन आप जल्दी से आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, लिखा है बच्चा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का सिंबल होता है आपको फाई, आपको मालूम होना चाहिए। और फाई का फार्मूला होता है क्या, ई डॉट ए होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। और इसको बनाएंगे तो बनेगा ई ए कॉस थीटा, ए है डॉट प्रोडक्ट बच्चा ना, तो बनेगा ई ए कॉस थीटा बनेगा। अब ध्यान देना मात्रक पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोला जाए तो यह बराबर होता है क्यू ई। अब तो बनेगा E इक्वल टू क्या बनेगा, A बनेगा F by Q, यानी A बनेगा न्यूटन पर कूलाम। इसका E का बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम और एरिया का बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आपके सामने खुलने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। दो बच्चा 3 को देखा जाए अगर, तो यहाँ पे लिखा है ना दोस्त, अगर देखा जाए लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है दोस्त, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे, जिस पर आवेश स्मॉल ई एंड द्रव्यमान एम है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज अगर देखा जाए तो चार्ज क्या दिया है, ई दिया है, एक सेकेंड, और बच्चा यहाँ पे दिया है जो मास दिया है वो मास है स्मॉल एम, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, अब कोई बात नहीं है, वैद्युत क्षेत्र है ई आपका बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है बोलो, ये मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ये कह रहा है कि गतिमान है, और आपको मालूम होना चाहिए गतिमान किधर होने वाला है, ये पीछे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है प्लस से माइनस, यहाँ प्लस रहा होगा यहाँ माइनस रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को कौन चिपकाएगा अपनी ओर, प्लस वाला चिपकाएगा, इधर चलेगा, यानी कि प्लस वाले यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट चलता है, पहले होते जान लो। तो बोलता है इसका त्वरण क्या होता है, तो आप जानते हो बच्चा एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है बोलो, एम ए क्या है बोलो, त्वरण। तो अगर देखा जाए तो ए इक्वल टू क्या आएगा बोलो, एफ बाई एम आएगा, ए इक्वल टू क्या आएगा बोलो, एफ बाई एम आएगा। और यहाँ पे एफ का मान क्या होता है बेटा, क्यू ई होता है, और क्यू ई बाई एम पीछे की क्वेश्चन में आप देखियो यहाँ पे जो चार्ज इलेक्ट्रॉन खुद है, तो बेटा ये बन जाएगा ई ई बाई एम बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हो ई ई बाई एम कहाँ पे है, ए है यहाँ पे, सेकेंड वाला आपका ऑप्शन बहुत टॉप। आपने देखा ना यहाँ पे दो चार बातें फिर आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, कहाँ से कहाँ बनता है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, और एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, बेटा आपकी समझ में आना चाहिए। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे वाले में चलेंगे तो आपको मालूम चलना चाहिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, आप देखो और आंसर देना बच्चा। और आप यहां पे लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, और आपके सामने यहां पे लिखा गया है रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि पीछे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हो सकता है वहां से यूनिट नहीं मैच कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन में तमाम यूनिट होते हैं सेम होता है बट नाम अलग अलग हो जाता है, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पे, अलग अलग फार्मूले के बेस पे। तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, वैद्युत फ्लक्स का होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए, अगर देखा जाए तो बनता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर कूलाम, पीछे भी देख के आप आ रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करना क्या है दोस्त, यहाँ पे लेकिन वोल्ट के मैटर में दे रहा है, एम्पियर के मैटर में दिया हुआ, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा आपको एक फार्मूला मालूम होगा, ई का फार्मूला होता है वी बाई डी, विभव प्रवणता के मैटर में अगर आपने पढ़ा होगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी होता है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ए क्या है बच्चा, एरिया है, ए क्या है बोलो, एरिया है, यानी कि बेटा होता यह है किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है बच्चा। अब चलते हैं आगे, ए वी का होता है बोल्ट, वी का क्या होता है बोलो, बोल्ट, और एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर अपॉन डी, मतलब डिस्टेंस होता है मीटर, ये कट जाएगा तो आएगा बोल्ट मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ट मीटर इस सेकेंड वाला ऑप्शन आपके पास आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा, यही सब बातें छोटी छोटी बताई जा रही है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान दोगे, अगर आप इसको ध्यान दोगे तो कंफर्म आपको आएगा और बोर्ड एग्जाम आप टॉप करोगे, मास्क वाले मास्टर के साथ आप बोर्ड एग्जाम टॉप करने वाले हो। बस ध्यान से पढ़ाई करते रहो, रोज वीडियो आते रहेंगे, पढ़ते रहना आराम से। और देखो मतलब कि सन 2023 में वही चार क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव में आए हुए थे, अब उसमें 2023 में पहले चैप्टर से अब बन गया है वेरी सैड टाइप क्वेश्चन का, और यहां पे जो वेरी सैड टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चा अभी एक ही नंबर का होता है, यहां पे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, एक नंबर का वेरी सैड टाइप क्वेश्चन होता है। अब इसको हमको पढ़ना है, मैंने बोला ना ईयर वाइज बांटा गया है, चैप्टर वाइज बांटा गया है, मार्क्स वाइज बांटा गया है, तो मार्क ऑब्जेक्टिव वाला एक नंबर का हो गया। अब पढ़ेंगे वेरी सैड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक नंबर का यह भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है दोस्त, पढ़ो ध्यान से,
विद्युत क्षेत्र ईज इक्वल टू दिया, यहाँ पे वेक्टर ही लिखना चाहिए था, और यहाँ पे ए आई कैप है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ए ई की वैल्यू दी गई है। गिवन डाटा क्या है, पर लिखो गिवन क्या दिया है बोलो, वेक्टर ई इक्वल टू दिया है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ओके। और यहाँ पे दिया एरिया, दिया है बच्चा वेक्टर एरिया ले लो आप, ये दिया है टेन जे कैप, यहाँ पे कैप लगा होना चाहिए था। तो बोलता है मीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट एरिया का होता है, और यहाँ लिखा है से गुजरता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 10 जे कैप मीटर स्क्वायर के तल से, यहां तल रहेगा, तल से गुजरता है फाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां पे बताना है फाई, फाई का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो लिखो यहां पे 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट, और इसका 10 जे कैप, और आपको मालूम है डॉट वाले प्रोडक्ट में i वाले का मल्टीप्लाई i के साथ, j वाले का j के साथ, i वाला है ही नहीं, जीरो आ जाएगा यार, जब j वाले करेंगे तो कितना आएगा, j वाले का एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जी वाले का जी में करेंगे तो 10 फोर जा 40 आएगा, और जी कैप डॉट जी कैप का मान एक होता है, अरे आई कैप का तो वहां कुछ है ही नहीं यार, जीरो आई कैप मान लोगे जीरो बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाला 10 फोर जा 40 और जे कैप डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यहाँ पे क्या कूलाम बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपने देखा ना कितना आसानी से एक नंबर आप आ गए, बहुत छोटा इक्वेशन होता है यार। अब चलते हैं दोस्तों आगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फाइव इक्वल टू ई डॉट ए होता है, और अगर डॉट को हटाएंगे तो फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आएगा। अब चलते हैं मित्र आगे, अब देखो यहां पे आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो कहता है, देखो ध्यान से, दो बोल्ट के विभवांतर, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, लिखा है दो बोल्ट के विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेरड धारिता, इसे कैपिटल कर लो आप, वाले संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी कि बोलता है एक यहां पे लिखा है एक है कैपेसिटर, एक क्या बोलो संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर, और बोलता है यह दो वोल्ट से भी मतलब इसे विभवांतर दो वोल्ट दिया है, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है बच्चा वो दिया है दो वोल्ट आपको, है ना जी, और बोलता है ऐसे आवेशित 10 माइक्रोफेरड धारिता, यानी कि सी की वैल्यू दी गई है आपको 10 माइक्रोफेरड की, ठीक है ना, ये गिवन डाटा में आपके ये डाटा में है, गिवन वाले में, ठीक है ना। अब यहां पे कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो U बराबर क्या होता है बच्चा, इसके C और V के मैटर में हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पे हाफ लगाएंगे, C की वैल्यू क्या दी है 10 माइक्रोफेरड, तो 10 × 10⁻⁶ फेरड आएगा, और यहां पे देख सकते हो V का स्क्वायर, यानी कि V तो दो वोल्ट का है, दो का स्क्वायर आ जाएगा, एक दो से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे दो, और यहाँ बचेगा 10⁵, और एनर्जी है इसका मतलब होता है यूनिट यानी कि मात्रक होता है जूल, तो आपका इसका आंसर आएगा 2 × 10⁵ जूल आएगा। और एक बात याद रखना, ये फार्मूला चेंज भी हो सकता है क्यू के मैटर में, क्योंकि होता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना जी, तो आप मतलब कि यहां से सी की वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं क्यू अपान वी, और एक बात और वी की वैल्यू चेंज करके लिख सकते हैं क्यू अपान सी, हो जाएगा ना बात क्लियर है। तो यहां से आप मतलब चेंजिंग करके यहां लिख के यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको चार्ज का मान दिया हो, आवेश का मान दिया होगा, तो फार्मूला बना लेंगे यहां से यार। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों, और समझ में आएगा तो हमको बोलना एक बार जरूर, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे, हमको मजा भी आता रहे, और हाँ याद रहे जीतना है, जीतने मतलब क्या बोर्ड टॉप करनी है, बोर्ड टॉप तभी होता है जब बच्चा पढ़ता है मेहनत से, और मेहनत तब होती है जब कोई पढ़ाने वाला मिलता है बढ़िया वाला। तो यहां देखो क्या लिखा है दोस्त, और यहां पे जानते हो एक बात देखो ध्यान से, यहां पे लिखा गया है किसी आवेशित संधारित्र की धारिता सी फेरेड है, और आगे लिखा है वह संचित ऊर्जा यू है, और बोलता है संधारित्र के प्लेटों पर है, देखो प्लेटों होता है, अरे टाइपिंग करने वाले यार क्या गजब का, कोई बात नहीं, के प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखना है, कोई बात नहीं, वही पढ़ गया है वो, देखो बोलता है सी और यहां पे यू दिया है, और बोलता है क्यू का लिखना है व्यंजक, क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो हमको एक ही फार्मूला भी पीछे तो था वही क्या पढ़े थे, यू इक्वल टू होता है हाफ सीवी का स्क्वायर, ठीक है ना, और हम जानते हैं बिकॉज क्यू इक्वल टू क्या होता है सीवी होता है, तो अगर हम बोले आपको यहां से तो आपको वी को चेंज करना पड़ेगा, वी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान सी होता है, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो हो जाएगा आपका यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ,
और सी मल्टीप्लाई बाई ए आएगा वी की वैल्यू, क्यू अपॉन सी रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्यू का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर आएगा और ये जाएगा कट तो यू की वैल्यू आएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आएगी, यही तो आएगी यार। अब क्यू और सी के मैटर में आ गया, देखो हमको क्या दिया था, सी दिया था, यू दिया था, यू है सी है और क्यू के मैटर में पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस वाला तो आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा टू यू सी, ये आएगा टू यू सी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बोलो टू यू सी, यही है संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश, एक पर प्लस का इतना आएगा और एक पर इतना किसका आएगा बोलो माइनस का आएगा। चलो यहां तक बात समझ में आ गया कि पीछे वाला ही फार्मूला था, इंटरेस्ट आएगा मजा आएगा, चलते थोड़ा सा आगे और मजा लाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे है अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है, आपको केवल यहाँ पे सूत्र लिखना है और सूत्र लिखने के लिए आपको मालूम है याद करना पड़ेगा, पहले द्विध्रुव क्या होता है ये जानो, द्विध्रुव मतलब होता है डाइपोल, एक मिनट, द्विध्रुव मतलब होता है बच्चा आपका डाइपोल होता है और जानते हो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है एक सिस्टम होता है जिनमें दो चार्ज होते हैं एक माइनस का क्यू एक प्लस का, यानी कि देखो समान परिमाण के आवेश लेकिन चिन्ह में क्या विपरीत होते हैं और कुछ दूरी पर रखे गए होते हैं, ठीक है ना, इस सिस्टम का नाम क्या है बोलो डाइपोल, बहुत कम दूरी पर रखे गए होते हैं इसी का नाम होता है द्विध्रुव, और सारी दूरियां कहां से लेते हैं इनके सेंटर से लेते हैं, इनके सेंटर से दूरी कोई लेंगे इनके सेंटर से लेंगे, वही बोलता है अक्षी वाली रेखा, अक्षी मन रेखा क्या जो दोनों को मिला रही है उसी वाले रेखा पर पूछ रहा है किसी पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, तो किसी पॉइंट पर आपको बताना है यानी कि मान लो ये पॉइंट सेंटर से आपका दूरी जो दिया है वो r हो, ठीक है ना, तो अक्ष पे क्या होता है ये होता है v इक्वल टू होता है kp अपॉन r स्क्वायर, kp अपॉन क्या होता है बोलो r स्क्वायर, यहां पे k क्या है कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहने का मतलब यह है कूलम का नियतांक यानी कि पूरा फार्मूला क्या बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर, p क्या है, अब p क्या है आपको बताना पड़ेगा, ये है द्विध्रुव आघूर्ण, p का फार्मूला होता है q इंटू टू एल, यानी कि द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसको p से दिखाते हैं, इनमें क्या होता है एक आवेश का परिमाण केवल परिमाण और उनके बीच की दूरी 2l मानी जाती है, सुविधा के लिए 2l मानते हैं इसको, ठीक है ना, या ताकि l मान लें या भी l मान लें, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है v = kp / r² ये अक्षी का हो गया, अगर लगे हाथ पर कोई पूछ ले अक्षी का क्या होता है, अक्षी माने क्या इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर वाले पे इस किसी पॉइंट पे, तो अक्षी पे होता है जीरो, क्योंकि आपको मालूम है v का फार्मूला होता है kq / r, यानी किसी बिंदु आवेश की वजह से मान लो यहाँ पे क्यू आवेश हो और यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो कि r दूरी पे है निकालना है विभव, मान लो तो विभव इस वाले पॉइंट पे आएगा kq / r आता, ठीक है ना। तो बच्चा उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्यू का मान रखते हैं चिन्हों के साथ, तो जहां पे बनाए जितना ये बनाएगा माइनस का उतना ही बना देगा प्लस का, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो डाइपोल की वजह से उसके निरक्षी वाले कंडीशन पर विभव का मान होता है जीरो और अक्षी वाले कंडीशन में क्या होता है केपी अपॉन आर स्क्वायर होता है। दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे चलने में क्या बोलता है, अब देखो जहां सवाल यहाँ पे लिखा है यम द्रव्यमान का एंड क्यू आवेश का एक जो आवेश आवेशित कण है विराम अवस्था से चलकर डी दूरी तक चलता मतलब डी दूरी तय करता है, कोई बात नहीं यार, सिद्ध करो कण द्वारा अर्जित वेग v का मान, सिद्ध करना है लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लिखने वाले लिख नहीं पाया कोई बात नहीं, मैं v का मान लिख दिखाता हूं आपको। अच्छा बताओ जरा एम मास का आपका जो पार्टिकल है चार्ज वाला क्यू दिया है चार्ज इसका और चलता है डी दूरी, चलता है कितना दूरी डी दूरी चलता है और विरामावस्था से चल रहा है तो प्रारंभिक वाला वेग यू का मान क्या है इनका जीरो आएगा, तो मोशन का थर्ड वाला इक्वेशन यानी गति का तृतीय वाला समीकरण आप देखो यहां पे क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है, v स्क्वायर ए अंतिम वेग होता है, वही पूछ रहा है सिद्ध करो कण द्वारा अर्जित वेग वही बताना है d दूरी तय करने के बाद, तो u का मान जीरो आएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो दिया है विराम अवस्था दिया है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a, अब इलेक्ट्रॉन जब चल आवेश चल रहा है तो ए का वैसे निकलेगा कैसे, यह बराबर क्या होता है बोलो क्यू ही होता है
और ध्यान देना, और यहाँ पे एफ बराबर एम आई होता है और क्यूई तो उसका जो एक्सीलरेशन आएगा त्वरण आएगा वो आएगा क्यूई बाई एम आएगा, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी क्यूई बाई एम बन जाएगी, और एस क्या है दूरी है डी दूरी चला है यहाँ पे लग जाएगा, तो इसलिए वी का मान क्या आएगा, वी का मान वही आएगा कर्णी यानी स्क्वायर रूट ऑफ टू क्यू ई डी बाई एम, और यही बच्चा प्रूफ करना था और एक नंबर आप बहुत आराम से पाओगे यार, दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लेना अभी मैं हूं। अब देखो यहाँ पे इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में हाँ सर आ रहा है, तो आगे वाला वीडियो और शानदार बनाया जाएगा यार, कोई बात नहीं अभी तो और मजा आना बाकी है, चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना, अच्छी वाला भी निकाल के आया हो, क्या होता है v इक्वल टू kp / r स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं निकाला जाएगा, लेकिन थोड़ा चलते हैं पहले पीछे क्या देखते हैं क्या है। अब इस टाइम चल रहा है सारे टाइप क्वेश्चन चल रहा है दोस्त, ध्यान देना इस टाइम क्या चल रहा है सारे टाइप क्वेश्चन चल रहा है 2023 में इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि पहले वाले चैप्टर से दो क्वेश्चन सारे टाइप वाले हैं, दो नंबर वाले हैं, अब हम लोग इसको देख रहे हैं तो ध्यान देना दो नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो पहला वाला क्वेश्चन आपका लग गया, दो नंबर आप पा चुके हो, और क्वेश्चन यही सब आते हैं हर साल यार, मैं तुमको दिखाऊंगा 2022 का पेपर 21 का पेपर 20 का पेपर 19 का पेपर, बस ध्यान देना बढ़िया से पढ़ना ध्यान से, क्या बोलता है आगे वाला सवाल देखो भाई छोड़ो तो टेंशन वगैरह, लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के बच्चा लिखा है कि अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करें, कोई बात नहीं दो नंबर की बात है, देखना जरूर पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, वीडियो नहीं देखोगे तो नहीं नंबर बढ़िया पाओगे, नंबर बढ़िया नहीं पाओगे जानते हो ना क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, आपके मम्मी पापा को बहुत कूटेंगे, और क्या होगा यहाँ देखो क्या है, यहाँ बनाएंगे पहले डाइपोल, एक होता है माइनस क्यू और एक क्या होता है बोलो एक होता है प्लस क्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे होता है सेंटर, पूरा दूरी मानते हैं 2L, ध्यान देना, और अक्षीय मतलब क्या इनको मिलाने वाली रेखा के किसी पॉइंट पर, मान ले पॉइंट P है और हमको निकालना है V एट पॉइंट P की वैल्यू, घबराना नहीं सब बढ़िया से चलेगा यार दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो क्या होता है, ये मान लो यहां से इसकी दूरी r, r दूरी पर निकालना है इसको, दूरी कहां से लेते हैं द्विध्रुव के सेंटर से लेते हैं बच्चा, अब यहां देखो अब यहां अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वीडियो को आप जानते हो 2x पे करके देख लो यार, जल्दी टाइम तुम्हारा बच जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो पहले क्या करते हैं यहाँ पे, और यह कैसी राशि है, अदिश राशि माने स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे दिशा का मैटर नहीं होता है, बस चिन्हों के साथ आवेश को रखना पड़ेगा, हम बोलेंगे माइनस क्यू से, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विभव, तो फार्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है विभव जो होगा वो के और माइनस क्यू लग जाएगा यहाँ पे, के माइनस क्यू अपान क्या होता है आर होता है, और आर यहाँ पे कितना है, यहां से दूरी क्या है देखो ध्यान से, ए वाला दूरी एल हो गया, यहां तक वाला ये अभी तो एल ही है ना, ये दूरी L और ये दूरी R, R यानी कि L प्लस R, यहां से दूरी क्या है L ए प्लस R, ये बन जाएगा L प्लस R बन जाएगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ना मित्र, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा लेकर के, अब बोलेंगे प्लस Q की वजह से, वही लाइन लिखनी पड़ेगी की वजह से बिंदु P पर विभव क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा K और Q अपान, अच्छा बोलो ये दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ध्यान देना टोटल R है, L निकल जाएगा तो क्या बचेगा R माइनस L, यहाँ पे बचेगा R माइनस L, अब आप देख सकते हो दोनों की वजह से वहां पे हो चुका है, यानी कि अब इसके इसकी वजह से हमने निकाल लिया है, तो हम बोलेंगे सो 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 नेट नेट पोटेंशियल क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस के क्यू अपान क्या एल प्लस आर, और यहाँ पे प्लस के क्यू अपान क्या, यहाँ पे लिख सकते हो इसको लिख लो ऐसे थोड़ा सा, एक मिनट इसको थोड़ा सा ये मिटाते हैं, इसको लिख लो ऐसे, ये बन जाएगा R प्लस L और ये क्या बन जाएगा R माइनस L, तो अगर देखा जाए ना मित्र तो यहाँ पे ऊपर KQ कॉमन है, KQ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस का वन अपान R प्लस L, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा
प्लस का वन अपान आर माइनस एल, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आएगा के क्यू, और यहाँ पे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर प्लस का एल, और यहाँ पे प्लस का आर प्लस का एल अपान, ये आएगा बेटा एक कोष्टक में जोड़ना घटाना स्क्वायर का फॉर्मूला, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा। और आपको मालूम है आर से आर कट जाएगा तो आपका आएगा के क्यू, और यहाँ पे टू एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा यहां लगाते हैं, हम बोलेंगे आर आर वी इज इक्वल टू जो है ना मित्र, अब वो आएगा आपका ए यहां से के क्यू इंटू टू एल अपान अपान क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा बोलो ए क्या है, ए ही तो है द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या बन जाएगा के पी बन जाएगा, पी इक्वल टू क्या क्यू इंटू टू एल होता है एक का परिमाण दोनों के बीच की दूरी, इतना तो बात आपको मालूम होता है होगा। अब यहाँ देखो बात आसान से क्या बोलते हैं, पी बन जाएगा, पी माने क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और यहाँ पे अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो फार्मूला ही मेन वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे एक बात और होती है मित्रों, क्या होती है जानते हो, अगर ये हेयल बहुत छोटा है तो इसको नगण्य मान सकते हो, नगण्य मान लोगे तो हो जाएगा केपी अपान आर स्क्वायर हो गया प्रूफ, और आप पा जाओगे दो नंबर पूरे के पूरे अपने पॉकेट में रख लो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे मित्र, क्या बोलता है आगे वाला सवाल, इसको देखा जाता है आगे का सवाल, तुम खुद लगा के देखो एक बार, आए तो लगाना वरना हम तो है ही, एक मिनट आगे वाला क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा, यहाँ रखा गया यहाँ पे। तो यहां देखो आप, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ो जवाब दो बढ़िया से, क्या लिखा हुआ है, लिखा है 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण के गति करने पर उसकी ऊर्जा में 10 जूल की कमी आती है। बोलता है कि 200 वाले इस वाले पॉइंट से 250 वोल्ट वाले पॉइंट तक जा रहा है और ऊर्जा में कमी कितना आ रही है, जूल की आ रही है। तो आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा जानते क्या पढ़े हो, आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू W अपान Q होता है, डेल्टा V का फार्मूला, और जानते हो या फिर यहीं से बोल सकते हो क्या W इक्वल टू डेल्टा V मल्टीप्लाई बाई क्या होता है बोलो Q होता है, ऐसे बोल सकते हो। W की वैल्यू क्या दी गई है, W की वैल्यू दी गई है मित्र आपको यहाँ पे 10 जूल की, और डेल्टा भी माने क्या विभव में परिवर्तन, 200 से 250 पहुंच गया तो परिवर्तन कितने का हुआ बोलो 50 का हुआ ना परिवर्तन, यहाँ पे 50 लगा दो और यहाँ पे लगा दो यहाँ पे Q लगा दो, तो Q की वैल्यू क्या है, Q इक्वल टू आएगी 10/50 मतलब 1/5 कूलम, ये आ गया आपका आंसर आपके पास। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन को पढ़ो समझो गहो लगाओ, आपको आ जाएगा दो नंबर बहुत आराम से पा जाओगे, लेकिन कब आएगा जब पढ़ोगे तब आएगा। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये है ये आपका है मित्र लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, यानी कि 2030 में चैप्टर यानी कि पहले वाले से इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये लास्ट क्वेश्चन है आपका है, एक नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव वेरी सार टाइप खत्म हो गया, सार टाइप खत्म हो गया, यही सवाल बनाए गए थे और सारे सवालों का जवाब आपको आता है और आता है तो नंबर पाएंगे। लिखा है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए परिपथ आरेख खींचिए, और बोलता है इसमें कौन कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती है, ये सवाल लिखा गया है बच्चा। और आपको मैं एक बात बोलता हूँ पहले, ये बात अगर आपको नहीं आती होगी तो ये जान लो क्या होता है, हालांकि यहाँ पे इसको इसलिए लिया गया है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है कैपेसिटर, ये देखो ऐसे होता है, ये होता है कैपेसिटर ऐसे, ठीक है यहाँ पे लगा दो इसको, और यहाँ पे लगा होता है क्या गैल्वेनोमीटर वगैरह मान लेते हैं, और यहाँ पे लगा होगा क्या, इसको हटाओ थोड़ा सा यार, यहाँ पे मान लो सेल है और क्या रहेगा, अब यहाँ देखो क्या होता है, ये मान लो P है Q है R है S है, तो एक बात जान लो अगर P अपान R इक्वल टू Q अपान S अगर ऐसा है तो बोलते हैं इसको मान लो C1 है ना, अगर समझ में ना आए तो C2 C3 C4 और अगर C1 अपान C3 बराबर अगर है C2 अपान C4 के तो बोलते हैं क्या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ये बताओ जान लो, और बोला यार अगर बैलेंस रहेगा ना
तो सेल की जगह पे लगा दो गैलोनोमीटर को और इसके जगह पे लगा दो सेल को, तब भी आपके पूरे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला, गैलोमीटर की जगह पे लगा दो सेल और सेल की जगह पे क्या लगा दो, गैल्वानोमीटर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या, ये हवाला जो ब्रांच है और जो ये हवाला ब्रांच है यही है संयुग्मी। यही क्या बोलो, संयुग्मी है। कौन कौन तो यहाँ संयुग्मी होती है, तो मान लो ये ए बी है, ठीक है, और ये मान लो यम और ऐसे हो क्या हो यन, यम यन, तो क्या बोलेंगे, भुजा ए बी और भुजा यम एन जो है ना वही है कॉन्जुगेट, यानी कि वही है संयुग्मी। ये सब बातें हैं, यही सब तो अलग वाले सवाल जवाब हैं। और अगर यही आपको नहीं आएगा तो दिक्कत में पड़ जाओगे। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और पढ़ना है मेहनत से और जागना है और बोर्ड टॉप करना है। ये दो नंबर वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए इस चैप्टर के। और जब दो नंबर वाले खत्म हो गए तो अब आएगा तीन नंबर वाला। अगले वीडियो में बताएंगे आपको तीन नंबर वाला, चार नंबर वाला, पांच नंबर वाला। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला वीडियो सर जल्दी लेके आना। तो आएंगे जरूर, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।